जेडीयू के विधायक दल ने नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार दिया है। आज की बैठक में विधायकों ने नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के लिए नया नाम चुनने के लिए अधिकृत भी कर दिया है। खबर है कि आज ही नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान करेंगे। जेडीयू ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। आज शाम नीतीश और शरद यादव राज्यपाल से मिलने जाएंगे। विधायकों ने बैठक में कहा कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो लड़ेगी। बैठक में ये भी फैसला किया गया कि नीतीश कुमार सरकार और पार्टी के बीच समन्वय का काम भी लगातार करते रहेंगे। मतलब ये हुआ कि अब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा और वो नया मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे, क्योंकि ये फैसला बिहार जेडीयू विधायक दल ने किया है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने क्या कुछ कहा सुनी। विधानमंडल दल की प्रस्ताव के चार बिंदु हैं। विधानमंडल दल की यह बैठक लोकसभा चुनाव के पश्चात नैतिकता के आधार पर श्री नीतीश कुमार के त्याग पत्र दिए जाने का भरपूर समर्थन और स्वागत करती है। श्री नीतीश कुमार के इस कदम ने राजनीति में नैतिकता के उच्च मापदंड को स्थापित किया है, जिसके लिए यह बैठक उन्हें साधुवाद एवं बधाई देती है। दूसरा, विधानमंडल दल की यह बैठक श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूर्ण आस्था और विश्वास करती तथा विधायक दल के नए नेता को नामित करने के लिए उन्हें अधिकृत करती। तीसरा, विधानमंडल का यह संकल्प है कि 2015 का विधानसभा चुनाव श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और तो वशिष्ठ नारायण सिंह की आपने बात सुनी, ये खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि और वो कौन से नेता हो सकते हैं बिहार में जो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की रेस में हैं। और नीतीश कुमार को जब ये अधिकार दिया गया है कि वो अपना उत्तराधिकारी चुने, तो सबसे पहले नरेंद्र नारायण यादव कानून मंत्री हैं, आलमनगर से मधेपुरा से विधायक भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, करीबी भी हैं नीतीश के, नीतीश इन पर भरोसा भी करते हैं। तो नरेंद्र नारायण यादव जो हैं, क्या वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? वशिष्ठ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, जेडीयू के राज्यसभा से सांसद हैं, जिनकी बात अभी आपने सुनी, और पहले बीजेपी में भी रह चुके थे, कद्दावर नेता हैं वशिष्ठ नारायण सिंह। शाहिद अली खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, सीतामढ़ी के सुरसंड से विधायक भी हैं। तो क्या एक मुसलमान को प्रोजेक्ट किया जा सकता है बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर? अली अनवर सांसद हैं राज्यसभा से, जेडीयू की बात हमेशा से रखते आए हैं और प्रवक्ता भी हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, काफ़ी नीतीश के करीबी भी माने जाते हैं। विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री हैं, सुपौल से विधायक भी हैं और ये भी एक बड़े नेता हैं, इनका भी दबदबा है और ये भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से हैं। सुजीत कुमार झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, कौन हो सकता है नीतीश का उत्तराधिकारी? नीतीश को ही चुनना है, किस पर सबसे ज्यादा निगाह देने की उनकी पुरानी आदत है, लेकिन लोग ये भूल गए थे। देखिए, सबके जहन में यही सवाल है कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। जितने भी यहाँ पर लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सब इसी तलाश में हैं कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार को तय करना है और नीतीश कुमार जो तय करते हैं वो उनके दाहिना हाथ क्या कर रहा है वो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता, तो ये बताना बहुत ही कठिन है। वैसे जो नाम चल रहे हैं, जो नाम बताए गए हैं, उन लोगों के भी नाम हैं, कुछ और नाम भी आए हैं, दामोदर रावत हैं जो कि भवन निर्माण मंत्री हैं, उनका भी नाम आ रहा है, वो भी अति पिछड़ा से आते हैं। उसके बाद रामनाथ ठाकुर का भी नाम लोग ले रहे हैं, क्योंकि वो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, अभी राज्यसभा के मेंबर चुने गए हैं। तो ये तमाम अटकलें लग रही है और नीतीश कुमार को ये तय करना है। नीतीश कुमार निश्चित रूप से छवि को देखते हैं कि किसकी छवि अच्छी है, कौन ईमानदार है, ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और साथ में जो इक्वेशन है, राजनीतिक समीकरण है, उसका भी ध्यान रखना होगा। तो इस सारे
लोगों को ध्यान में रख के वो अगले जो नेता हैं उनका चुनाव करेंगे और निश्चित रूप से इसके कुछ घंटों के अंदर ये नाम सामने आ जाएगा। अभी राज्यपाल से समय मांगा गया है मिलने के लिए, ये बताने के लिए कि जनता दल यू के पास पूर्ण बहुमत है और वो सरकार बनाने का दावा पेश करती है। क्या होगा नीतीश कुमार का, क्या नीतीश कुमार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे या नया नेता चुना जाएगा? हमारे साथ शरद यादव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के, खुद जानते हैं। शरद जी, क्या डिसीजन फाइनल है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? नहीं, आप बहुत छोटा कर दिए। पार्टी का जो फैसला है वो फैसला है, बिहार के हित में है, वो देश को लक्ष्य करके किया गया है और पार्टी के हित में है। हमारे भाई नीतीश कुमार जी के हित में है और ये फैसला मुकम्मल है और ये फैसला सारी पार्टी के लोग और सारे लोग मानेंगे। शरद जी, लगता नहीं है कि जब एक मजबूत नेता नीतीश कुमार को अगर हटाया जाएगा तो उसके बाद विकल्प खोजने में दिक्कत होगी, क्योंकि फिर उस स्टेचर का नेता और मुख्यमंत्री मिलना आपकी पार्टी में मुश्किल होगा? मुझे कुछ नहीं कहना, ऐसा नाम होगा, मैं जो बात कह दिया वो ही, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। कांग्रेस से सपोर्ट लेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना, मैंने जो कहा आपसे वही। आखिरी सवाल एक बार फिर से पूछेंगे कि लालू यादव के साथ किसी तरह का कोई प्रत्यक्ष परोक्ष गठबंधन या किसी तरह का कोई समझौता? जिसने भी ये खबर दी है वो या तो बहुत होशियार है या बड़ा धूर्त है, किसी से हमारी बात नहीं हुई। आगे हो सकता है? मैं कह रहा हूं, अभी तो मैंने आपसे जो कहा वही उसी पर टिके हुए हैं।